बाड़मेर जिले में कोरोना के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में जिले में 319 नए कोरोना संक्रमित मिले तो एक वृद्धा की मौत हो गई। इस बार अत्यधिक रोगी मिलने के बाद भी प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत भी हुई। बाड़मेर जिले में कोरोना की तीसरी लहर अब हावी होती नजर आ रही है। बुधवार को अस्पताल में भर्ती एक 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मृतका के शव को परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं नगर परिषद को सुरक्षा सावधानी के साथ शव का अंतिम संस्कार करवाने की हिदायत दी। अस्पताल अधीक्षक डॉ बी.एल. मंसूरिया ने बताया कि 10 जनवरी को महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो RT-PCR रिपोर्ट में मंगलवार को पॉजिटिव पाई गई थी। बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये महिला 10 तारीख को भर्ती की गई थी और इसके सिम्टम न्यूमोनिया के थे, बैक्टीरियल न्यूमोनिया टाइप का आ रहा था। सीटी में भी वही फाइंडिंग आ रही थी और एक्सरे भी फाइंडिंग बैक्टीरियल आ रही थी। और इंडोर का जो हमारा RT-PCR जांच कराने का जो है, तो वो जब जांच कराई तो ये कल शाम को पॉजिटिव आई और फिर उसको कोविड ICU में जो है शिफ्ट कर दिया था। हॉस्पिटल में आज 5 तो कोरोना पॉजिटिव भर्ती है और 2 HRCT वाले भर्ती है, 7 मरीज भर्ती है टोटल। वहीं बुधवार जिले में कोरोना के 319 नए मरीज मिले। बुधवार को प्राप्त हुई 1200 लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट में कोरोना के 319 नए संक्रमित मिले हैं। इससे जिले के एक्टिव रोगियों की संख्या बढ़कर 843 हो गई है। बुधवार को सिर्फ 2 संक्रमित ही नेगेटिव हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि बुधवार को 1200 की सैंपलिंग में 319 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाड़मेर शहरी क्षेत्र में 120, ग्रामीण में 13, बालोतरा शहर में 64, बालोतरा ग्रामीण में 54, बायतू में 35, सिंधरी में 7, सिवाना में 14 और धोरीमन्ना चौहटन शिव में 4-4 कोरोना के रोगी मिले हैं। CMHO डॉ. बिश्नोई ने बढ़ते मरीजों के बीच आमजन से वैक्सीनेशन करवाने और सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी 319 केस पॉजिटिव आए हैं। आज टोटल 1200 केसेस की सैंपल की जांच की गई, जो पूरे बाड़मेर जिले के विभिन्न क्षेत्र से 319 केस जो पॉजिटिव पाए गए। सर कहाँ कहाँ से केस मिले हैं, कितने कितने? उन्होंने ज़्यादातर 120 केस तो बाड़मेर सिटी के हैं, 64 केस बालोतरा शहर के हैं, बाकी 13 केस बाड़मेर ग्रामीण के और 4 चौटन के, 4 शिव के और 4 ये धोरमिना ब्लॉक एरिया के और सिवाना के 14 केस हैं और बायतू क्षेत्र के 35 केस है। इस मिला के टोटल मिला के 319 केस पॉजिटिव है। पूरे ज़िले से सैंपलिंग हो रही है, पहले तो मेनली बाड़मेर शहर और बालोतरा शहर से होती थी, अभी सब CSE पे और हो रही है। कहाँ CSE के जगह जगह बड़े शहर है, बड़ा टाउन है, वहीं से सैंपलिंग हो रही है और इसलिए ये ज़्यादा सैंपल होने की वजह से केसेस है वो बढ़े हैं। और अब बाकी जगह जहाँ हमारे दूरदराज एरिया है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, जाके 15 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। इस साल आए जो अच्छी बात यह है कि इस साल कोई भी ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं है, मामूली सर्दी जुकाम हल्का बुखार यहाँ तक है, मैक्सिमम लोग है वो होम आइसोलेशन में है और ठीक है। हमारी टीमें रोज़ संपर्क भी कर रही है, उनको किट भी दे रही है और मरीज स्वस्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल में कोरोना के 4 और HRCT के 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि CMHO डॉ. बाबूलाल बिश्नोई अपनी रिपोर्ट में सिर्फ एक ही HRCT पॉजिटिव भर्ती होना बता रही हैं, जो कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की ओर इशारा करता है। अस्पताल में भर्ती कोरोना के 5 मरीजों में बुधवार को 60 वर्षीय निर्मला देवी पत्नी जीवनलाल निवासी महावीर नगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती निर्मला देवी मंगलवार को RT-PCR में कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और उसकी मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में जिले में ये पहली मौत है। जनवरी माह के इन 12 दिनों में जिले में कोरोना के 846 नए संक्रमित मिले हैं, इनमें से अब तक 3 संक्रमित ही नेगेटिव हुए हैं। बाड़मेर में कोरोना रोगियों की पॉजिटिविटी रेट 26.58% है और रिकवर रेट मात्र 3.17%। बढ़ते रोगियों के बीच इस बार अत्यधिक संक्रमण प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित नहीं कर रहा है। ऐसे में बाड़मेर में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।